एनआईए ने पाकिस्तान के डिप्लोमेट आमिर जुबैर सिद्दीकी को अपने वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। श्रीलंका में पाकिस्तानी उच्चायोग में अपने कार्यकाल के दौरान आमिर जुबैर सिद्दीकी पर दक्षिण भारत में अमेरिकी और इजरायली वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है। आरोप है कि आमिर जुबैर सिद्दीकी ने मुंबई में 26/11 को हुए हमले जैसे आतंकी हमले कराने की साजिश रची थी। एनआईए के मुताबिक श्रीलंका में पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात 3 और अफसर इस साजिश में शामिल हैं। एनआईए ने पाकिस्तान ने आमिर जुबैर सिद्दीकी के खिलाफ इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का भी आग्रह किया है। बड़ी खबर, भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने का मास्टरमाइंड पाया गया है। पाकिस्तानी डिप्लोमेट भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। श्रीलंका में तैनात पाकिस्तान के जो उच्चायुक्त है उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लगे हैं। उनके निशाने पर अमेरिकी और इजरायली दूतावास थे और बड़े आतंकी हमले 26/11 की तर्ज पर जिसकी साजिश वो कर रहे थे। और अब आपको बताते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। एनआईए ने पाकिस्तान की डिप्लोमेट आमिर जुबैर सिद्दीकी को वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। एनआईए ने इंटरपोल से आमिर जुबैर सिद्दीकी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने को कहा है। आमिर जुबैर सिद्दीकी पर भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप लगा है। भारत में अमेरिकी इजराइल के वाणिज्य दूतावासों पर हमले की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप है। श्रीलंका में तैनाती के दौरान भारत में आतंकी हमले की साजिश रचने का आरोप है। और अब आपको बताते हैं कि पूरे मामले का खुलासा आखिर कैसे हुआ। अप्रैल 2014 में इस साजिश का खुलासा हुआ था। तमिलनाडु में श्रीलंकाई नागरिक शाकिर हुसैन की गिरफ्तारी हुई थी और पूछताछ में शाकिर ने सिद्दीकी का नाम लिया था। अमेरिकी अधिकारियों ने एनआईए को यह सबूत दिए थे और ये तमाम सबूत इशारा कर रहे थे सिद्दीकी के साजिश में शामिल होने का। सिद्दीकी और शाहजी के बीच बातचीत का ब्यौरा भी दिया गया था। शाहजी इस ऑपरेशन का प्रमुख था। मनीष शुक्ला हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता। मनीष, बहुत बड़ी खबर और पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। बेहद शर्मसार करने वाली और कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाक की नापाक हरकत उजागर हुई है और यहां किसी छोटे मोटे अधिकारी का नहीं बल्कि एक डिप्लोमेट का नाम सामने आ रहा है, वो भी आतंकी हमले में साजिश रचने में। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के जो हाई कमीशन या एम्बेसी ऑफिसर्स हैं, चाहे वो श्रीलंका में हो या बांग्लादेश में हो या फिर नेपाल में हो, वो अपने हाई कमीशन का जो उनके डिप्लोमेट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों के लिए और फेक इंडियन करेंसी नोट्स के लिए। लेकिन ये जो मामले की हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने श्रीलंकन नागरिक का इस्तेमाल किया ताकि भारत को शक ना। आप जानते हैं कि जब भी पाकिस्तानी होते हैं तो हम डाउट क्रिएट हमारी एजेंसीज करती है, लेकिन श्रीलंकन या कोई भूटानी या बांग्लादेश से आता है तो एजेंसी ज्यादा उस पर कंसंट्रेट नहीं करती है। ये प्लानिंग रची गई थी कि कैसे जो इजरायली और यूएस के कॉन्सुलेट्स हैं साउथ इंडिया में उनको टारगेट किया जाए। तो पाकिस्तान ने मना किया कि इस नाम से कोई उनका डिप्लोमेट नहीं है, लेकिन कई एविडेंस मिले और श्रीलंका से तुरंत पाकिस्तान ने इस अमीर को अपने पास बुला लिया था। तो अब चूंकि एनआईए जांच कर रही है और उन्होंने ये फोटो रिलीज की है, वांटेड लिस्ट में डाला हुआ है और इंटरपोल से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर ये कहीं पे भी किसी भी देश में देखा जाता है तो उसकी जानकारी शेयर की जाए, क्योंकि बड़ा एविडेंस है पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट का सीधा सीधा ये मामला है और इस वजह से काफी बेहद गंभीर मामला है। एक बार फिर से पाकिस्तान को उसने बेनकाब किया है। और इस बीच फोनलाइन पर हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट आरएसएन सिंह जी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। आरएसएन सिंह जी, बड़ी खबर ये कि कोई और अधिकारी या किसी तरह का कोई आतंकवादी नहीं बल्कि इस बार सीधे तौर पर डिप्लोमैट का नाम सामने आ रहा है। श्रीलंका में पोस्टेड पाकिस्तान के डिप्लोमैट भारत में इजरायली दूतावास और अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर आतंकी हमले की साजिश रचने में पाए गए हैं। कहीं ना कहीं एक बार फिर से पाकिस्तान को बेनकाब किया है। सवाल ही आखिर कितना नीचे गिरेगा पाकिस्तान, डिप्लोमेट्स का इस्तेमाल वो अब आतंकी हमलों में कर रहा है। नहीं, पहली बात कि ये जितने आईएसआई के ऑफिसर्स होते हैं और भी कई जो देशों के इंटेलिजेंस ऑफिसर्स वो डिप्लोमेट के गार्ड में ही पोस्टेड होते हैं। दूसरी बात कि ये जानकारी बहुत पहले से है
कि कोलंबो के में जो दूतावास है पाकिस्तान का, वो साउथ इंडिया के ऑपरेशंस में उनका मतलब वहीं से पूरा संचालन होता होता रहा है और अभी भी हो रहा है ये साउथ इंडिया के में ऑपरेशंस में। और आपने देखा होगा कि इसका परिणाम ये हुआ है कि आप अगर जो रेडिकलाइजेशन देखें साउथ इंडिया में, तो वो दिन पर दिन वो बढ़ती जा रही है। और इसका प्रमाण ये है कि आपके इस्लामिक स्टेट में जितने वॉलंटियर्स गए हैं वो ज्यादा साउथ इंडिया से गए हैं। मोर देन 60% ऑफ देम आर फ्रॉम साउथ इंडिया। जो पीएफआई जैसा ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उस उनका उनकी ताल्लुकात आईएसआई से बहुत गहरी है। और ये सारा का सारा संचालन जो है ये जो पाकिस्तान दूतावास है श्रीलंका में, वहां से हो रही थी। और कुछ हालात वहां के राजनीतिक हालात ऐसे थे कि जो पहले राजापक्षे जब वहां पे थे तो ये गतिविधियां थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रही थी। अभी भी ये गतिविधियां जारी है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो देखिए, पहले बांग्लादेश को बेस यूज किया जा रहा था, आईएसआई बेस यूज करता खालिदा जिया के टाइम में ये टेररिज्म और इंसर्जेंसी प्रमोट करने के लिए नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और ये कोलंबो में जो दूतावास है इसको साउथ इंडिया के में प्रमोट करने के लिए। और आपने देखा होगा कि कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को टारगेट करने की कोशिश की गई, यहाँ तक कि एक योजना थी उनकी, एक दुष्ट योजना थी वो, जो कल्पक्कम में आपका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहां पर उसको क्षति पहुंचाने की कुछ भी एक साजिश थी। तो कई ऐसी साजिशें हमारे काउंटर इंटेलिजेंस एजेंसी के एफर्ट से उसको नाकाम किया गया है। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि एक बहुत बड़ी योजना हमारे साउथ इंडिया में आईएसआई ने बनाई है साउथ इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और इसके लिए हमको सतर्क रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो अब भारत को और सतर्क रहना होगा, साउथ इंडिया पूरी तरीके से टारगेट पर है और वहां पर कई तरह के आतंकी ऑपरेशन चलाने की साजिश पाकिस्तान द्वारा रची जा रही है।